अगले सवाल पर आते हैं। ये जो सवाल है देखेंगे, इसमें एक सर्किट दिखाया गया है। इस सर्किट में ये बैटरी है और बैटरी से होकर के कितना करंट फ्लो कर रहा है, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। नॉर्मल जो हीट उसमें ब्रिज होता है उसमें कोई भी डायोड नहीं होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें दो डायोड दिए गए। ठीक, तो ये जो बैटरी लगाया गया है, देखेंगे बैटरी का इधर पॉजिटिव प्लेट है हायर पोटेंशियल वाला और इधर निगेटिव प्लेट है लोअर पोटेंशियल वाला। इसमें करंट ऐसे जाएगा, जब करंट ऐसे जाएगा तो इसका मतलब यह होगा कि ये हायर पोटेंशियल होगा, इधर लोअर पोटेंशियल होगा। तो ये जो डायोड है वो एक्चुअली में रिवर्स बायस हो गया, रिवर्स बायस हो गया तो इसमें कोई करंट नहीं जाएगा, तो ये करंट ऐसे निकलेगा। और जब यहां पर जाएगा तो देखेंगे यहां भी लोअर पोटेंशियल है, यहां हायर पोटेंशियल है, तो करंट ऐसे जाना चाहिए लेकिन जाएगा नहीं, क्योंकि फिर से रिवर्स बायस हो गया है, तो इधर भी करंट नहीं जाएगा। तो जो करंट यहां से गया वो सारा इधर से निकलेगा और फिर ऐसे जाएगा। ठीक, तो ये जो रूट है जिस रूट में डायोड है ये रूट बेकार हो गया। तो देखेंगे ये तीनों रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज में होगा, इनके तीनों से इक्वल करंट जाएगा। ये आई करंट यहां से निकल के ऐसे 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 इधर से आएगा। ठीक है, तो तीनों सीरीज में है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर हम लोग फाइंड करें सर्किट का तो देखेंगे यहां पर ये 5 है, अभी सीरीज में ही है, सारे एक लाइन में है, सबसे इक्वल करंट जा रहा है। तो 5 ओम प्लस 10 15 प्लस 5 20 प्लस 10 30, 30 ओम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है और जो बैटरी है उसका ईएमएफ 9 वोल्ट दिया गया है। तो जो करंट यहां से फ्लो करेगा उसकी वैल्यू निकालेंगे ई डिवाइडेड बाई आर इक्विवेलेंट, यानी 9 वोल्ट डिवाइडेड बाई 30, इसको 3/10 कह सकते हैं, यानी कि 0.3 एम्पियर। तो देखेंगे यहां पर जो थर्ड ऑप्शन है उसमें 0.3 एम्पियर दिया गया है, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया।